सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल? राम राम मेरे भाइयों, सब ठीक ठाक? सब भले चंगे? और मेरे भाइयों सुनाओ, घर सारे ठीक ठाक? मेरे भ्राओ, मेरी बहनों, सब ठीक ठाक ना? मस्त हो यार? आपके साथ आज मैं किसी की ना लाइफ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ यार। इंसान कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाता यार, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि बंदे को सक्सेस मिले नहीं मिले। बंदा पढ़ने में भी ठीक हो जाए नहीं हो, तभी बंदे को सक्सेस मिलती मिलती है, किसी चीज़ में मिलती मिलती है यार। इंसान को ना अपनी अर्ली लाइफ में ना, जब तक तो बंदा नौकर ना करने हो जाए, जब तक तो उसे जॉब वगैरह ना मिल जाए, दो चीज़ों को अवॉइड करना। एक है लड़कियों को, अभी लड़कियां मेरी बात का बुरा नहीं माना यार। हाँ, जब बंदा सेटल हो जाए तभी क्या नाम है ये सब अच्छा लगता है। पहले हो जाए, पहले बंदे के खुद की जिंदगी खराब, ऊपर से आए लड़कियां शादी भी उनसे करती हैं जिनकी, लड़के की तो जिंदगी खराब हो जाती है। लड़कियों को तो मिल जाता है कोई नौकरी वाला, कोई तो वो तो ढूंढती हैं। और दूसरा नशे यार, नशे भी बंदा चल ड्रिंक वगैरह करता है, जॉब लग जाए बंदे की और शादी वगैरह हो जाए, फिर करता है कभी पार्टी में ड्रिंक वगैरह ऐसे। यार क्या बताऊँ आपको यार, आपके साथ किसी की लाइफ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ यार। आज मैं यार एक लड़के की बात सुनाता हूँ यार। वो लड़का मतलब पढ़ाई में एवरेज एवरेज था, इंटेलिजेंट उनके था एवरेज, मतलब कि पास पूछ हो जाता था ऐसा था लड़का। छोटी सी उम्र में कोई 10वीं 11वीं पढ़ते हुए ना सिगरेट बीड़ी की आदत लग गई लड़के को, सिगरेट बीड़ी पीना स्टार्ट कर दी। नया नया था सिगरेट, ऐसे हवा में उड़ाता था। उसके बाद कॉलेज वगैरह में पहुंचा तो ड्रिंकिंग की आदत लग गई। चल वो इतना मैटर नहीं की, लड़का काफी एथलीट था, मतलब इन चीजों की परवाह नहीं मारता था। रनिंग में भी आगे, दौड़ ये रनिंग में और गेम्स में एक्सरसाइज में सबसे आगे था। सबसे आगे ने मतलब ठीक था, अच्छा था, हट्टा कट्टा था, मतलब हर चीज में सही, परफेक्ट था बिल्कुल। यार क्या सुनाऊं, उसके बाद यार बंदे की यार जिंदगी खराब हो गई यार पूरी। बॉक्सिंग खेलता था लड़का, बॉक्सर था, बॉक्सर बॉक्सिंग की थी। तो यार ऐसे किसी की मतलब डेथ हुई तो वहां पे रहा, उसके पास किसी की शादी शुदी आ गई रिश्तेदारों में, मतलब बंदा घर में बैठना स्टार्ट हो गया। 4-5 महीने बैठा ऐसे, नशेड़ियों से यारी पड़ गई यहाँ घर पे गांव में, बंदे भी आ गए। बंदा कहता, बंदा ना मतलब सोचता ही है जब नया नया करना स्टार्ट करता है, यार क्या है ये। सभी बताओ क्या कहते हैं, जो जिनको लत होती है ना, जिनको तोड़ लग रही होती है ना, वो यही कहते हैं कि यार नहीं, एक बारी कर ले, कुछ नहीं होता। एक बारी करने से कौन सा लग जाता है, किसको लग जाता है यार एक बारी करने से? कभी कभी करने, फिर एक बार ही होता है, फिर कहते हैं कभी कभी करने में कौन सा लग जाता है। ऐसे बंदे के पास स्टार्टिंग में, मैं आपको सभी सर्कल बताता हूँ, ऐसे बंदे के पास स्टार्टिंग में हर एक बंदे के पास पैसे होते हैं, हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट की होती है, भाई छोटा हो बड़ा हो किसी ने इन्वेस्टमेंट सभी ने की होती है। ऐसे आस्ता आहिस्ता 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 उसको खाली करते हैं ये। उसके बाद जब पक्का निशेड़ी बन जाता है ना, फिर उसको बाहर निकाल देंगे, उसको अवॉइड कर देंगे, खुद के पैसे होंगे, खुद अकेले चले जाएंगे। और उस बंदे को ना ये ऊपर से निशेड़ी भी बना देंगे, ऊपर से उसकी बदनामी भी होगी, ऊपर से वो रहेगा कुछ नहीं यार। उस बंदे ने यार काफी ट्राई किया, उसके रिश्तेदारों ने, उसके ताए के लड़के ने, ताऊ ने, यार घर वालों ने, माँ बाप ने, यार इतना दुख देखा कोई हिसाब नहीं यार। इतना कुछ किया उसके पीछे कोई हिसाब नहीं, रिहैब सेंटर दवाइयां लेके दे रहे हैं, सब कुछ यार, सब कुछ ट्राई किया यार, पर करना यार।
जिंदगी खराब कर देता है इंसान। इंसान तो काफी करता है ड्राइव, छोड़े यार, छोड़े कल छोड़े, 6-6 महीने छोड़ता भी है यार। क्या करे, माँ बाप भी तंग, सभी तंग यार, सब बंदे गालियां निकालते हैं, घर वाले, घर वालों की अलग बदनामी होती है यार। सहन करता है इंसान, बाहर लोग भी बातें करते हैं, पर क्या करे, आदत से मजबूर है। बंदा छोड़ेगा बाहर तभी यार दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे एक बार कर ले यार, कुछ नहीं होता, इतना टाइम छोड़ा हुआ है, कर ले ट्राई। एक बार ही करता, दो बार करता है, दोबारा वहां का वहीं उसी स्टेज में पहुंच जाता है सर। बंदे के पास बस यही लास्ट ऑप्शन रहता है कि बंदा सुसाइड कर ले यार। माँ बाप के बारे में सोचता है, क्या करे, बस भाई ऐसे निकलती है जिंदगी, क्या पता कब क्या हो जाए ना यार। चलो ठीक है यार दोस्तों, बाय।